बहुत ही मज़ेदार टी टाइम स्नैक तैयार किया है, मैदे वाले डोनट्स बहुत ही मज़े के खस्ता से। और इसको हमने किस तरह बनाया है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं बताती हूँ आपको। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुशोखुरम होंगे। आज एक टी टाइम स्नैक है, बहुत ही मज़ेदार बहुत सिंपल किस्म के मैं डोनट्स बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक कप मैदा ले लिया है, उसको छान लिया है। तीन कप में तीन चम्मच बड़े वाले मैंने चीनी के लिए हैं, ग्राइंडर कर लिया है, चीनी को पीस लिया है। एक चाय का चम्मच मैंने मिल्क पाउडर लिया है, आधी चाय की चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया है और एक चम्मच एक चुटकी मैंने नमक लिया है। यह अब हम तमाम चीज़ें जो हैं वो मैदे में शामिल करते हैं। इसको शामिल करने के बाद इसको हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे हम, इस तरीके से हर जगह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद एक अंडा लेकर उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है और उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके इस मैदे को गूंद लेते हैं। इस तरीके से जी हमने इसका डो बना के रख लिया है, कुछ देर इसको छोड़ते हैं। 20 मिनट हमने इसको छोड़ा है, अब हम इसकी एक रोटी बेल लेते हैं। हमने रोटी बेल ली है, अब एक गिलास या कोई भी कटर लेकर हम इसको इस तरीके से हम इसके डोनट्स बना लेंगे। देख सकते हैं आप, इसकी मोटाई भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस सारे बनाते हैं। इस तरीके से कोई ढक्कन लेकर हम इसको बीच में से ऐसे करके इसको निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम तमाम कर लेंगे। घी गर्म होने के लिए रख दिया है और घी गर्म हो चुका है, फ्लेम को मीडियम करेंगे और एहतियात के साथ इसको हमने इसमें डाल देना है घी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोल्डन फ्राई करके हम इसको उतार लेंगे। गोल्डन फ्राई कर लिया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह से हमारे डोनट्स जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं, बड़े क्रिस्पी से, बड़े गोल्डन गोल्डन से। आप जल्दी से बना लीजिए और फिर कमेंट्स करके मुझे बताइए रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।